हाँ तो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो हाँ, अभी हम लोग हैं मुक्तेश्वर में। तो हाँ गाइस, अभी सब लोग रेडी हो चुके हैं और नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर सीधा मतलब यहाँ से निकलेंगे चेकआउट करके। नहीं भाई, लोग तो इधर बैठे हैं सब। भाई बारिश आ रही, बारिश आ रही बाहर, बारिश आ रही। और वो हमारा वो भाई खाने के लिए मंगा, वो आ रहा है, कह रहा बन रहा है, बन रहा है। हाँ तो फिलहाल ब्रेकफास्ट आ चुका है। तो हाँ गाइस, फिलहाल हम लोगों ने चेकआउट कर लिया। अरे भाई मुझे तो बैठने दे यार, अंदर बैठ हुआ है, बैठ जा, चल अंदर बैठ जाता हूँ यार। अरे वाह, चेकआउट वगैरह हो चुका है, वहाँ से हम लोग निकल रहे हैं सीधा मुक्तेश्वर टेम्पल के लिए। देन उसके बाद तो हाँ गाइस, फिलहाल हम लोग मुक्तेश्वर टेम्पल तक पहुँच चुके हैं, अभी रास्ते में ही है। यहाँ से थोड़ी सी दूर पैदल चल के मंदिर आता है, तो वहाँ पहुँच के लोगों को शॉर्ट्स दिखा रहा हूँ। शॉर्ट्स देखना और पसंद है तो जरूर से लाइक कर देना। गाइस मंदिर तो आ गए फाइनली, लेकिन मंदिर आते आते हाल खराब हो गई, बहुत दर्द हो रहा है। भाग के आए थे, सीने में भी दर्द हो गया। अभी दर्शन करके आप लोगों से मिलते हैं फिर। तो हाँ गाइस, दर्शन वगैरह बहुत अच्छे से हो गए हैं लेकिन यार ठंड की वजह से सबकी हालत खराब हो रही है। तो लोग यहाँ, तो अब हम लोग यहाँ से सीधे नीचे उतर के मिलते हैं, फोटो वगैरह खींच के। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है यार। सब कुछ तो ठीक रहा गाइस, दर्शन भी अच्छे से कर लिए, लेकिन फोटो वगैरह भी खींच गए। लेकिन भाई ठंड, 4 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, लिटरली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई। सिर्फ टी शर्ट और एक शर्ट पहन के इतनी ऊपर आ गया, बस आके फिर ख़त्म, क्या होना था। तो हाँ गाइस, अभी हम लोग रुके थे जूस पीने के लिए। और यार भाई, तो भाई यू वॉन्ट टू शेयर योर एक्सपीरियंस? नो, अभी हिम्मत नहीं है कुछ भी एक्सप्रेशन बता रहे हैं। फ्रेट में आ गया, फ्रेट में आ गया। अग्रिम भाई हेलो, वीडियो वाला उठाओ भाई। मैं तो ये देखो, ये भी हेड में आ गया भाई। अभी हेड निकल जाती हूँ, मेरे भी थी। राज भाई, यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस? यस भाई, से समथिंग। गर्मी लग रही, पानी डालो, ठंड रहने, चिल्ड। मजा नहीं आ रहा, गर्मी लग रही, पसीना आ रहा। हेलो, ये तो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देखे हवा बन जाऊं मैं अगन, दहक रहा बन के शरारा, देख मेरा बदन। ब्रास का जूस ट्राई करें मैं पानी। ये बोतल कितने की होगी सर? 250 की बोतल है, एक बोतल में से 15-15 प्लस ग्लास बनते हैं। पर उसके लिए ये सब भी तो होना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल नींबू है, वो छोटा वाला। तो घर पे अगर हम ले जाएंगे नॉर्मल नींबू डाल के सही बन जाएगी। छोटा नींबू डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है बड़ा वाला। जी नींबू से इसके अंदर में ना प्लस पॉइंट करता है, ओवरवेट नहीं होने देता नींबू, फैट लॉस करता है। नींबू भी ले जाइए, नींबू केजी में यहाँ पर अंकल जी बेचते हैं सर, केजी में नींबू डाल दीजिए। कोई दिक्कत नहीं भाई, जूस तो मस्त हो रहा ना। ब्रास तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट। गाइस जब मैं मुक्तेश्वर टेंपल पे आया, अभी जूस जरूर से पिए, बढ़िया सा हो रहा काफ़ी। तो अब सीधा जूस पी के आप लोगों से नीचे उतर के मिलता हूँ आपसे। -3 से सर जी, हाँ
ऊपर तो कहते चार है कुछ हो सकता है क्योंकि ना गूगल एकदम कितना करेक्ट है अभी जिस हिसाब से ठंडा हो रहा है ना माइनस के आसपास क्योंकि हाथों में जब ठंडी लगती है ना माइनस में रहता है ये पहचान होती है पहाड़ों में अगर हाथों में ठंडी लग रही क्योंकि ना सर्कुलेट बिल्कुल बंद हो जाता है ब्लड जमना शुरू हो जाता है ना तो माइनस पे ही रहता है तो वैसे ही सब आपका सब नेचुरल ही है। हाँ जी नेचुरल हम मैं तो खुद एक फार्मर हूँ सर ये नींबू मेरे खुद के बागों में है। अच्छा और ये बुरा जो होता है जंगलों में होता है फूलों को हम तोड़ के लेके आते हैं सर जंगलों में से इसको हम पकाते हैं इसको हम क्रश नहीं करते बहुत बढ़िया चीज है आप चाहें तो ले जा भी सकते हैं तो लेके जाते हैं इसको ये बहुत बढ़िया चीज है इसका बेनिफिट अच्छा है मतलब नॉर्मल इसको कोई भी ले सकता है सर जरूरी नहीं इसको ब्लड प्रेशर वाले अस्थमा वाले ब्लड शुगर वाले ही ले रहे कोई भी ले सकता है थैंक यू। तो हाँ गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा हम लोगों ने दर्शन करे जूस वगैरह पिया और मुक्तेश्वर टेंपल में आया जरूर से आप ब्रास का जूस तो पी लेना कहाँ चलना भाई इधर भाई नहीं 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 इधर चलना अरे कहाँ चलना है हाँ तो मतलब जब भी यहाँ पे मुक्तेश्वर टेंपल पे आना तो ब्रास का जूस निकल के आ जरूर पी लेना मजा आ जाएगा कैडी चीज। बाकी जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि अंकल ने बताया कि आप यहाँ से खरीद भी सकते हैं क्योंकि उनका सब कुछ नेचुरल ही है तो हाँ इससे अच्छी क्या चीज हो सकती है जो नेचुरल मिले फिर तो वो तो माइनस के डिग्री पे भी रहते हैं यहाँ पे भाई यार हाँ भाई बर्फ बर्फ पड़ती है मस्त मजे हैं यार लेकिन वही ना जिनकी आदत है उनकी आदत पड़ जाती है और अपने देख आदत ही नहीं है ये देखो शर्ट में घूम रहे हैं मैं तो फिर भी यार मैं भी शर्ट में घूम रहा हूँ अगले नहीं यार अपने लोग सही बात है यार हमें क्या बताते बरेली में तो हम कच्चा बनिया में घूमते हैं यहाँ पे आके पता चला अरे भी पड़ती है दुनिया में वही तो भाई तो बस हम नीचे आए गए अब यहाँ से सीधा निकलते हैं नैनीताल के लिए तो अब तो कार में बैठ के सो ही जाना है बाकी जो भी रहेगा आप लोग देख ही लोगे बीच बीच में हाँ एक डेढ़ दो घंटे में नैनीताल और भाई फिलहाल दर्शन तो बढ़िया करके हो गए भाई तो ये भी एक्सपीरियंस लेना जरूरी था क्यों भाई ये एक्सपीरियंस भी लेना जरूरी था लड़ो 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 मारो चलो बैठो चलो ठीक है हो गया भाई क्या है मैं तो कुछ ऐसी कर रहा था अच्छा मैं को कुछ क्या आ गया बिठा रहा है तो नहीं बिठाया ब्रेजा नहीं कोई चीज है ओए ओए मत कर साले पगला है अरे अरे फतेहगंज लाल हो गया भाई दाने निकल गया मत करो कोने पे मत कर साले चल अंदर को बैठ असला जेम बैठा अभी एक स्टॉप लिया था आ गई तो हाँ अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं।